एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन। थर्ड पार्ट में क्या है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो आपको इसको भी मिडिल टर्म शिफ्ट करके फैक्टराइज करके दिखाना है। तो मिडिल में टर्म क्या होती है, 7x, तो 7x को ही आपको स्प्लिट करना है। अब देखो कैसे करते हैं। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके आपको इसके a b c निकालने हैं। अब देखो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, √2, और b कितना होगा, x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ये 7 बन जाएगा, और c आपका कितना होगा, ये 5√2, यहाँ पे ये c 5√2 हो गया। अब जैसे ही आपके पास ये आ जाता है, आप तुरंत क्या करेंगे, a इंटू c करेंगे। तो a इंटू c कितना होता है, a इंटू c, a कितना है √2, और c कितना है आपका 5√2। तो ये कितना, 2 इंटू √2 कितना होता है 2, और 5√2 कितने हो गए 10, ये आपका 10 आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करने पे। अब आपको ये आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो a इंटू c आपका आया है, इस a इंटू c को आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। 2 5 10, 5 1 5, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। अब ये दो ही पार्ट में अरेंज हो गया। अब आप देखो आपको इसको क्या करना है, 7 बनाना है। तो आप देखो इसको 2 और 5 को अगर मैं प्लस करूं तो 7 बनता है, और 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो मैं a इंटू c बनता है। यही कंडीशन आपकी होनी चाहिए। देखो मैं कर देता हूं, अगर 2 प्लस 5 में करता हूँ तो 7 बनता है, अगर 2 इंटू 5 में करता हूँ तो ये मेरा 10 बनता है। तो यही मिडल टर्म 7 जो है वो स्प्लिट होगी 2 और 5 की फॉर्म में। स्प्लिट का मतलब उसको 2 पार्ट में हमने अलग अलग लिख दिया। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √2x² प्लस ये वाला 7x है, इसको 2 पार्ट में लिखूंगा मैं, 2x प्लस 5x भी लिख सकता हूँ इसको। वैसे तो मैं x प्लस 6x भी लिख सकता हूँ इसको, या 4 और 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा ये 10 नहीं आता है। ये ध्यान रखना है आपने कि ये भी a इंटू सी जरूर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। अब देखो ये आ गया, और इसको लिख दिया मैंने 5√2 इजिकल टू 0। अब देखो थोड़ा सा इसमें इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप देखो इसको रूट टू यहाँ पे है, यहाँ 2 है, तो कॉमन लेने में कई बार गलती हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। आप इसको ऐसे कर लें, अब देखो मैं इसको जैसे मैंने 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ यहाँ पे √2x², ताकि मेरे को कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे √2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसका x लगा देते हैं। ऐसे ही 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ ये 5x हो गया, और प्लस में 5√2 इजिकल टू 0। एक स्टेप थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ता है, ये इसलिए लिखना होता है कि तो आपको कॉमन लेना थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखो इसमें √2x कॉमन आ जाएगा, ये वाला √2x इसमें कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बचा x प्लस √2 यहाँ बचा। अब यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी x प्लस √2 बचा इजिकल टू 0 होगा। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है, x प्लस √2 यहाँ भी है, x प्लस √2 यहाँ भी है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कैलकुलेशन ठीक हो रहा है। अभी देखो इसमें x प्लस √2 यहाँ से कॉमन ले लो, और यहाँ कितना बच गया, √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो इसमें क्या होगा, x प्लस √2 इजिकल टू 0, और √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो x माइनस √2 हो गया, और यहाँ पे √2x इजिकल टू -5, और जो x है आपका वो क्या हो जाएगा, -5/√2। तो ये आपके इसके जीरो जो हो गए, 2 जीरो इसके हो गए। इसको आप लिख सकते हो, वैसे इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो आप, या से लिख सकते हो, सो -√2 एंड -5/√2 आर द
required roots. आप इसको अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है तो कई बार आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट हम हटाने के लिए ऐसे कर देते हैं इसको, फाइव रूट टू इंटू यहाँ पे रूट टू लिख सकते हैं और यहाँ पे भी रूट टू रैशनलाइज कर देते हैं. रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, टू, तो फाइव बाई टू रूट टू ये भी हो सकता है इसका. इसको यहाँ पे यहाँ ये भी लिख सकते हो आप. तो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1.